हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 मैरीगोल्ड, उसमें चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 रन और नसरुद्दीन एम। फ्रेंड्स तो देखते हैं चैप्टर। चलिए पहले है रन। रन यानी कि दौड़ना, भागना, इसे हम रन कहते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा पिक्चर आपको दिया गया है। इसमें सब बच्चे हैं वो भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स पोएम को आगे बढ़ाते हैं। रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। रन अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट ऑफ द कंट्री, रन रन रन। यानी कि सिटी से हमें बाहर जाना है या फिर सन के आजू बाजू रहना है, कंट्री के बाहर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें रन करना पड़ेगा। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटल ड्रेसिस विथ ईच लिटल ब्रीज। यानी कि रेन ड्रॉप भी रन कर रहा है, ट्री के नीथ भी रन कर रहे हैं, रेस में भी हमें रन करना पड़ता है और ब्रीज में भी क्या करते हैं, हम रन करते हैं, यानी थोड़ी ठंडी लगती है तब। उसके बाद रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मेडो, देन रन बैक अगेन। यानी कि हम रन कहाँ कहाँ करते हैं, तो रन है वो हम है वो हिल साइड पे रन करते हैं, रन हम प्लेन जो होता है वहाँ पे ग्राउंड पे रन करते हैं, मिडो में रन करते हैं, और रन बैक अगेन, और फिर से वापस रन करके आते हैं। रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री, अवे अवे। रन हम कैसे करते हैं, मेरे से करते हैं, यानी चीयरफुल, उत्साह से। ऑल थ्रू द डे, आज सारा दिन हम रन करते रहते हैं, रन टू द कंट्री, हमारी कंट्री में रन करते हैं, अवे और अवे। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम दौड़ते हैं, रन करते हैं, घूमते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इस पोएम के जो लेखक हैं, वो कवि हैं, उनका नाम है मेरी डंट। अभी आगे बढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स, रेन ड्रॉप्स, नीथ बीनीथ या नीचे, ब्रीज यानी हल्की हवा चलना, ठंडी लगते उसे ब्रीज कहते हैं, हिल साइड, मिडो और मेल। मिडो का मतलब होता है अ पीस ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का टुकड़ा। देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई रहे दे रहा होगा आपने टेक्स्ट बुक में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेट्स राइट, आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग द पिक्चर ऑन द ऑपोजिट पेज। यानी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑपोजिट पेज पे आपको यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखना है। एग्जाम्पल, वॉट इज हैपनिंग इन पिक्चर 5, हैपनिंग इन द पिक्चर 5, 5 पिक्चर है, 5 नंबर का, उसमें क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा, तो द गर्ल इज डाइविंग इन टू द वॉटर। देखिए यहाँ पे 5 नंबर का पिक्चर है, उसमें गर्ल क्या कर रही है, अंदर एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे दो यहाँ पे आ गए हैं पेज। रीडिंग इज फन, वॉट डज द पोएम टेल अस टू डू। पोएम में क्या कह रहे हैं, तो पोएम में जो है द पोएम टेल अस रन टू द कंट्री ऑल थ्रू द डे एंड बी मेरी, यानी चीयरफुल तरीके से हमें रन करना चाहिए। राइट अबाउट द प्लेस वेयर द पोएट वॉन्ट अस टू रन, यानी कि कहाँ कहाँ पोएट है वो रन करना चाहते हैं, तो पोएट है वो सिटी में रन करना चाहते हैं, सन में रन करना चाहते हैं, कंट्री में रन करना चाहते हैं, यानी ये सब हमारे प्लेसेस हुए। लेट्स टॉक, चलिए कुछ बातें करते हैं। डू यू लाइक प्ले एंड रन अबाउट व्हाई, क्या आपको खेलना और भागना पसंद है, क्यों, वो आपको कहना है, क्यों आपको भागना पसंद है। रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, नेम एनी 3 गेम्स दैट प्ले इन विच यू हैव टू रन। रनिंग है वो एक एक्सरसाइज है, तो दूसरा क्या आप जैसे प्ले करते गेम खेलते खेलते हम कर सकते हैं, तो योगा है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, सब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। व्हेन यू रन फास्ट, व्हाट डू यू फील द हैपनिंग टू योर बॉडी, हम जब फास्ट रन करते हैं तो क्या होता है, तो हमारी ब्रीथ है वो जल्दी जल्दी चलती है, इसलिए हमें सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है, सांस जल्दी जल्दी लेते हैं जब रन हम फास्ट करते हैं तब। से अलाउड, बीनीथ, फियर, ब्रीज, ईच, मीट, मिडो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पेल, सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि
आपको यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उसमें आपको बीच में सिर्फ डबल ई लगाना है या फिर ई ए लगाना है। तो यहाँ पे देख ले, पहला है टी आर डबल ई एस, ट्री हो जाएगा, टी आर डबल ई एस, ट्रीज। दूसरे में है पी एल ई ए, प्लीज, पी एल ई ए, प्लीज। उसके बाद है टीज, टी ई ए एस ई, टीज। उसके बाद है टीच, टी ई ए सी एच, टीच। उसके बाद है स्लिप, तो एस डबल एस एल डबल ई पी। उसके बाद है बिप, बी डबल ई पी। उसके बाद है एफ, तो फिट, एफ डबल ई टी। और एम है तो मिट, एम डबल ई टी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नाउ एड मोर वर्ड्स विद द डबल ई एंड ई ए, पुट देम इनसाइड द बबल्स। यहाँ पे डबल ई और डबल ए, ई ए वाले जो वर्ड है आपको लिखने हैं, जो बीच में आने चाहिए या फिर लास्ट में भी चलेगा। देखिए यहाँ पे सी लिख सकते हैं, एस डबल ई, ब्रिज लिख सकते हैं बी आर डबल ई जेड ई, पिल लग सकते हैं पी डबल ई एल, यहाँ पे प्ले प्ले लिख सकते हैं पी एल ई ए। उसके बाद मिडो लिख सकते हैं, बीनीथ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स लिसन। Say the words aloud one by one, follow the instruction and move your body accordingly. Friends, यहाँ पे जो word दिए गए हैं हमें aloud से बोलना है और उसके बाद जो instruction दिए गए हैं उसी प्रकार से हमारे body को move करना है। देखिए यहाँ पे shoulder, move them up and down, हमारा shoulder है उसे up and down में घुमाना है। Feet, feet क्या करना है, walk forward and backward, उसे आगे ले जाना है, feet को पीछे ले जाना है। रन फास्ट एंड स्लो, रन करना है फास्ट और स्लो। उसके बाद हैंड्स, हैंड्स को कैसे करना है, मूव देम लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट साइड में मूव करना है। न्यू जंप्स, हॉप, मार्च एंड टिपटो। चलिए फ्रेंड्स, अभी वो आ गया है, एक पेज हमारा छूट गया था। तो पिक्चर यहाँ पे दिए गए हैं उसी हिसाब से यहाँ से हमें आंसर लिखना है। तो पहला हमने एग्जाम्पल देख लिया था, अभी देखते हैं व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर फोर। मोहन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ पे पिक्चर फोर है, देखिए ये क्या है, ये मोहन का, ये कहते हैं इसे लॉन्ग जंप कहते हैं। यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने जो पोल है उस पर प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ही इज प्रैक्टिसिंग टू लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप की वो प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड पुलिंग इन पिक्चर थ्री। पिक्चर थ्री में क्या पुल कर रहा है, यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे लिखिए अनिल एंड हिज फ्रेंड्स आर पुलिंग अ रोप ऑन बोथ द एंड्स। ये रोप है उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। उसके बाद वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर टू। यहाँ पे देखिए पिक्चर टू में रेसिंग कहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे लिखना है द बोट्स आर रेसिंग इन द रिवर वाटर, रिवर वाटर में जो बोट है वो रेसिंग हो रही है यहाँ पे थर्ड में। उसके बाद व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर वन। यहाँ पे देखिए पिक्चर वन में ऐसा दिया है कि बॉयज क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर है चल जो दौड़ रहे उसका एक पिक्चर है, यहाँ पे ब्लैंक हो गया है। तो आपको लिखना है द बॉयज आर रनिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड पे वो दौड़ रहे थे। उसके बाद व्हाट आर द गर्ल डूइंग इन पिक्चर सिक्स। यहाँ पे पिक्चर सिक्स में गर्ल क्या कर रही है, तो स्विमिंग कर रही है। तो आपको लिखना है दे आर स्विमिंग इन द पूल, वो पूल में स्विमिंग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर, यूज हाउ मेनी, व्हाट आर, वेयर आर, इज, हाउ, व्हाई टू मेक क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाजू में जो पिक्चर दिए गए हैं उसके नीचे जो कि ऐसी लाइन, जो ब्लैंक लाइन है उस पर हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनेंगे, तो हाउ मेनी, व्हाट आर, वेयर आर, इज, हाउ, व्हाई, इसे हमें आगे लगाकर कोई भी क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप नहीं है तो आप ड्रॉ कर दीजिएगा, फोर बॉयज है, तो इसका क्वेश्चन ऐसा बनेगा, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन पिक्चर वन, पिक्चर वन में कितने बॉयज है, आपको ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन द पिक्चर, ये पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद पिक्चर नंबर थ्री में भी आप ऊपर से सेम टू सेम लिख सकते हैं कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द पिक्चर। उसके बाद
why is mohan practicing long jump, वो long jump की क्यों practice कर रहा है। उसके बाद ये जो jump है pool में, तो आप लिख सकते हैं where is the girl jumping in a peak, यहाँ पे कहाँ से वो jump कर रही है। उसके बाद why are the girl swimming in the peak, क्यों यहाँ पे गर्ल है वो स्विमिंग कर रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नसरुद्दीन एम्स, यहाँ पे देखते हैं स्टोरी। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड, एक दिन है नसरुद्दीन उसके फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा था, बातें कर रहा था। He began to boast, no one can match my skill in archer, वो ऐसा कर रहा कह रहा था कि मेरे जैसे आर्चर, यानी देखिए यहाँ पे जो आर्चर कैसे बाण चलाते हैं उसको, वो मेरे जैसे स्किल कोई के पास नहीं है। I string the bow, take aim and shoot the arrow, boost. The arrow is sure hit right on the target. जब मैं एरो चलाता हूँ, जब मैं एरो शूट करता हूँ, तो वो टारगेट पे ही जाता है। देखो यहाँ पे इसको टारगेट बोलते हैं बीच में। Hearing this, one of his friends immediately bought a bow and some arrows. ऐसा सुनते ही उसका एक फ्रेंड है, वो क्या किया, जल्दी से एक एरो, थोड़े से एरो ले आया और ऐसा बाव यानी धनुष लेकर आया। Giving them to Nasruddin, he said, here Nasruddin, take this bow and arrows. So उन्होंने क्या किया कि ये लो नसरुद्दीन, ये आप एरो लीजिए और ये धनुष लीजिए और अब चलाइए। Then pointing towards a target, he said, aim at the target and shoot an arrow. उसके बाद उसने एक यहाँ पर टारगेट दिया कि जैसे आपका टारगेट है आपको शूट करना है। Nasruddin held the bow in his hand, strung it, aimed at the target and shoot an arrow. अभी क्या हुआ, नसरुद्दीन ने वो हाथ में लिया, धनुष हाथ में लिया, उसके बाद उन्होंने एरो चढ़ाया और शूट किया, तो क्या हुआ, तो एरो डिडंट हिट द टारगेट, एरो है वो टारगेट पे नहीं गया। इंस्टेंट इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, और एरो है वो बीच में पॉइंट पे नहीं गया, तो उसके फ्रेंड सब हंसने लगे। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, नसरुद्दीन ने कहा कि ये क्या आपका बेस्ट एम है, ये तो मिडल पे लगा ही नहीं है पॉइंट पे। ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ, तो अरे नहीं नहीं नसरुद्दीन, ऐसा हम कोई भी ऐसा काम करते हैं तो हम नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। तो नसरुद्दीन ने भी बहाना बनाया कि ये कई बार नहीं होता है, दिस वॉजंट माई एम, वो मेरा एम नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है। इट वॉज आज़ाद सेम, वो आज़ाद का एम है। I just showed you how Azad shoot an arrow. Azad है वो कैसे shoot करता है, मैं आपको बता रहा था। इसलिए क्या है, नसरुद्दीन है वो क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है। Saying this, Nasruddin picked up another arrow. Once again he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. फिर से नसरुद्दीन ने क्या किया कि एरो लिया और टारगेट के सामने एरो लगाया। This time the arrow fell a little further for where it fell on. इस टाइम थोड़ा सा वो रह गया, जो अगले टाइम जो लगा था उससे थोड़ा सा वो नीचे रह गया। द टाइम द एरो फेल अ लिटल फर्दर फॉर वेयर इट इज फेलन बिफोर, बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, उससे क्या हुआ कि जो अगली बार हुआ था इससे इस बार अच्छा रहा, लेकिन क्या हुआ, टारगेट पे लगा नहीं। तो दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड This must be how you shoot an arrow. Of course not, argued Nasruddin. उन्होंने नसरुद्दीन से कहा कि आप कैसे एरो को चला रहे हैं, तो नसरुद्दीन ने कहा कि नसरुद्दीन ने आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा कि ऑफ कोर्स नॉट, ऐसे ही चलाता हूँ, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये भी मेरा एम नहीं था, यानी कि अभी वो बहाने बना रहे, उनसे क्या कर रहा है, पॉइंट पर लग नहीं रहा है तो वो बहाने बना रहे। इट वॉज द चीफ गार्ड ऑफ एम, एक कौन सा इसका एम था, चीफ गार्ड का एम था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल नाउ हु इज द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो सबने अभी ये पता चल गया सबको कि ये बहाना बना रहा है, तो ऐसे बोल रहा है कि अभी अगले वाला कौन सा है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स ब्रस्ट आउट लाफिंग, तो सभी फ्रेंड है वो जोर जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन डिडंट से वर्ड, नसरुद्दीन के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। He quickly picked up and one arrow. उन्होंने जल्दी से एक एरो उठाया
एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियल लकी। और इस बार क्या हुआ कि नसरुद्दीन ने एरो फिर से उठाया और लगाया तो टारगेट पे लग गया, इस बार लकी था। एवरीबडी स्टार्टेड नसरुद्दीन देर माउथ मोथ एगेप एंड एज अमेजमेंट बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग। नसरुद्दीन सेड ट्रिंकली डिड यू सी दैट इट वॉज माय। तो देखिए अभी उन्होंने टारगेट पे लगा दिया तो अभी कोई फ्रेंड्स बोले नहीं, सबका मुंह बंद हो गया। तो नसरुद्दीन ने कहा कि देखो ये मेरा एम था, देखिए यहाँ पे मिडल में ही नसरुद्दीन ने लगा दिया। अभी वो उनके पास दो तरीक़ों से नहीं लगा तो उसने बहाना बना दिया कि वो दूसरे का था, एक गार्ड का था। इसी तरह फ्रेंड्स न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में चैटिंग, आर्चरी, स्ट्रिंग, टारगेट, डिफेंडिंग, अमेजमेंट और ट्रेम्फेंटली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रीडिंग इज फन। व्हाट डिड नसरुद्दीन बोट बोस्ट अबाउट। नसरुद्दीन ने वो क्या कर रहा कह रहा था कि नसरुद्दीन बोस क्या वो सब बातें कर रहा था कि वो ऐसा कर रहा था, नो वन कैन मैच माय स्किल इन आर्चरी, यानी आर्चरी में मेरी कोई स्किल, मेरी स्किल है उससे बराबरी नहीं कर सकता। Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? Nasruddin ने वो target जब चूक गए थे तब वो दूसरों के नाम क्यों ले रहे थे? क्योंकि so he hid himself from the same is not being to aim the target. जब उसे target नहीं हो रहा था hit तो वो दूसरों का नाम दे रहे थे। Why did Nasruddin say it is my aim the third time? थर्ड टाइम नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों किया कि वो मेरा एम है? बिकॉज फाइनली ही वॉज बाय देन एबल टू एम द टारगेट सक्सेसफुली। तो उन्होंने क्या किया, अपना टारगेट लगाया और वो सक्सेसफुली वहाँ पे लग गया। देखो ये आर्चरी में यहाँ पे टारगेट हो गया, इसलिए नसरुद्दीन ने कहा कि अब ये मेरा एम है। डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज अ गुड एट आर्चरी? क्या ऐसा लग रहा है कि नसरुद्दीन ने वो अच्छा आर्चरी था? तो हमें तो ऐसा लग रहा है, नो आई डोंट थिंक वो ऐसा आर्चरी नहीं होगा, नहीं तो पहले ही टाइम में उसको उसका जो निशाना था वो चुकेगा नहीं, वो सीधा सीधे टारगेट पे लग जाता। आगे बढ़ते हैं, रीड एंड एंजॉय। नसरुद्दीन वॉच। वन डे द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन वॉच टू गो ऑन हंट विद हिम। एक दिन राजा ने नसरुद्दीन से कहा कि आप जाइए और मेरे लिए शिकार करके ले आइए। हंट यानी शिकार करना। When the hunting party returned the evening, it was wonderful. How did the hunt go? जब हंटिंग पार्टी वापस आई तो देखा कि एक अच्छा दिन था, अच्छा दिन है। तो दूसरों ने उसे कहा कि कैसे, हाउ डिड द हंट गो, कैसा रहा शिकार आपका? डू यू किल एनी एनिमल्स? दूसरे ने पूछा कि आपने किसी एनिमल को मारा है, यानी कि वो उसका शिकार करके ले आए हैं? तो यहाँ पे लिखा कि नो, नहीं, किसी का नहीं। डिड यू चेज एनी एनिमल? क्या आप किसी एनिमल को चेज करके आए हैं? तो फिर से नसरुद्दीन ने कहा कि नो, नहीं। डिड यू सी एनी एनिमल? क्या आपने किसी एनिमल को देखा है? फिर भी उन्होंने बोला नो। देन Why do you say the hunt was wonderful? तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो शिकार करने गया था वो अच्छा शिकार था, मुझे मजा आया? Oh my dear, when you go to hunt such dangerous animal. लेकिन वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पे कई सारे खतरनाक प्राणी थे। It was marvelous not come across any. लेकिन वो मेरे पास इधर इस साइड आए ही नहीं। Be a Nasruddin watch yourself. यहाँ पे हमें हमारे तरीके से यहाँ पे लिखना है। पहले क्या है कि देखिए यहाँ पे एक ओल्ड लेडी है, वो स्टेयर पे चढ़ रही है वो, लेकिन वो नीचे गिर रही है। आर यू हर्ट? क्या आपको लगा है? वो ऐसा बोल रही है। व्हाट वुड यू हैव डन इफ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड? अगर आपके दादी माँ यहाँ पे स्लिप्ट हो गए तो आपको कैसा लगेगा वो आपको कहना है। चलिए वर्ल्ड बिल्डिंग। शूट द एरो एंड हिट टारगेट बाय मैचिंग वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग। यहाँ पे करेक्ट मीनिंग पे मैच करना। पहला है चैटिंग, चैटिंग यानी कि बातें करना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शूटिंग द, यहाँ पे देखिए टॉकिंग इनफॉर्मल, यहाँ पे इनफॉर्मली यहाँ पे आपको ज्वाइन करना। उसके बाद अमेजमेंट
उसके बाद अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब होता है कि सरप्राइज आना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो देखिए यहाँ पे ग्रेट सरप्राइज, इसका ये रो यहाँ पे आएगा, ये फोर नंबर पे। उसके बाद आर्चरी, तो आर्चरी यानी कि उसको एरो बोलते हैं, तो यहाँ पे शूटिंग विद अ बो एंड एरो आर्चरी, यहाँ पे एरो या शूटिंग जिसे कहते हैं उसे आर्चरी बोलते हैं। डिफेंडिंग, डिफेंडिंग यानी कि बचाना, डिफेंड करना, तो प्रोटेक्टिंग अटैक यहाँ पे। उसके बाद टारगेट, टारगेट यानी कि गोल जो यहाँ पे। और ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली यानी हैप्पीली एंड प्राउडली यहाँ। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड, बोल्ड वर्ड और वर्ड्स विद द वर्ड फ्रॉम द क्वाइवर एंड रिराइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे ये वर्ड है हमें चेंज करना है और यहाँ से लेना है। जो पहला है, इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट, यानी कि उन्होंने ऑब्जेक्ट को हिट नहीं किया, ऑब्जेक्ट को वो हिट नहीं कर सकते अपने एम को, उसको बोलते हैं टारगेट। तो यहाँ पे लिखना है इन नो टाइम सी हिट द टारगेट। उसके बाद नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर, नसरुद्दीन है वो अच्छा आर्चर नहीं था। तो हम लिख सकते हैं नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर। उसके बाद द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता यूजिंग द क्लू गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट इन योर नोटबुक। ये राहुल गुप्ता है और यहाँ आपको उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, पीछे क्लू दिए गए हैं। तो पहला इंडियन, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद 8 hours, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद ईट्स, उसके बाद हेल्दी फूड, ईट्स हेल्दी फूड, रन 2 kilometers एवरी डे और बैट्समैन। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि राहुल गुप्ता इज इंडियन, राहुल गुप्ता इज अ गुड क्रिकेटर, राहुल गुप्ता प्रैक्टिसिंग 8 hours, राहुल गुप्ता प्रैक्टिस योगा, राहुल गुप्ता ईट्स हेल्दी फूड, राहुल गुप्ता रन्स टू, अथवा आप ऐसे भी ही का यूज कर सकते हैं, ही रन्स 2 kilometers एवरी डे, ही इज अ गुड बैट्समैन। ऐसे आपके क्लू को यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। चलिए आगे, दिस इज अ राजीव्स फैमिली, ये राजीव की फैमिली है। दे आर हेल्दी फैमिली, वो हेल्दी फैमिली है। सी वॉट इच डज रिमेन हेल्दी, वो कैसे हेल्दी रहते हैं। तो फादर, जो राजीव के फादर है वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। उनकी मदर है वो योगा करती है। सीता यानी उनकी सिस्टर है वो स्किपिंग करती है। उसके बाद ग्रैंडपा चलने के लिए जाते हैं। ग्रैंडमा अच्छा फूड लेते हैं। और राजीव है वो रन करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं। Use the word and or but and make as many sentences as can about Rajiv family. यहाँ पे and or but का use करके हमें यहाँ पे sentence बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, grandpa and grandma get up early in the morning. Grandpa is walking but Rajiv is jogging. देखिए यहाँ पे ऐसे हमें answer जो है वो sentence बनाने हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि father and mother get up early in the morning, father is exercising, Rajiv is jogging, या फिर mother is doing yoga, आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे सेंटेंस बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, fun time, watch the arrow pierce the apple, would you like to see the arrow peering or red apple, bring the page close your face, touch star with your nose and then look at the picture. फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये पिक्चर है, यहाँ पे नीचे तक आपको यहाँ पे आप नोज लेकर जाना है स्टार पर, उसके बाद आपको देखना है तो एरो है वो यहाँ पे हिट हो जाएगा। लेट्स प्ले, फिल इन द ग्रीड विथ वर्ड्स गिवन बिलो, यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस। यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं आपको यहाँ पे यूज करना है, या एक वर्ड है आप दो टाइम यूज कर सकते हैं। पहला क्रिकेट वॉलीबॉल, सॉरी क्रिकेट हॉकी टेबल टेनिस फुटबॉल, ये गेम के नेम है। व्हाट यू प्ले विथ, आप किसके साथ खेलते हैं, किससे खेलते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट क्या लगता है उसमें। पर वेयर यू प्ले इट, आप कहाँ पे खेलते हैं। और नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने प्लेयर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्हाट यू प्ले विथ, तो क्रिकेट में हम किससे खेलते हैं, बैट और बॉल से खेलते हैं। वेर यू प्लेड, कहाँ पे, तो ग्राउंड में। कितने प्लेयर होते हैं, तो 11।
ओके ओके में भी क्या है, हम स्टिक और बॉल से खेलते हैं। देखिए यहाँ पे स्टिक और बॉल है, कहाँ पे खेलते हैं तो ग्राउंड में खेलते हैं, उसमें भी कितने प्लेयर होते हैं 11। टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस हम खेलते हैं रैकेट और बॉल से। देखो यहाँ पे रैकेट है और बॉल है, रैकेट से और बॉल से खेलते हैं। वो कहाँ पे खेलते हैं तो टेबल में खेलते हैं, टेबल। देखिए यहाँ पे टेबल लिखा है और उसमें कितने प्लेयर होते हैं, टू और फोर प्लेयर हो सकते हैं। फिर फुटबॉल, फुटबॉल है उसमें वो कैसे खेलते हैं तो फुटबॉल से खेलते हैं। कहाँ पे खेलते हैं तो ग्राउंड पे, और कितने प्लेयर होते हैं तो 11। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे जो गेम्स दिए गए उनके हमें लिखने हैं सेंटेंस। यहाँ पे एक आपको दिया गया है कि क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट बैट एंड बॉल, देयर इज 11 प्लेयर इन द गेम्स। तो आपको ऐसा दूसरा लिखना है हॉकी, हॉकी इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विथ स्टिक एंड बॉल, देयर आर 11 प्लेयर इन दिस गेम। उसके बाद टेबल टेनिस पे लिखना है, टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम, अंदर इंडोर यानी टेबल पे खेलते हैं हम। वी प्ले इट रैकेट और बॉल, रैकेट एंड बॉल, देयर आर 2 or 4 प्लेयर्स। फुटबॉल, सो फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विथ फुटबॉल, देयर आर 11 प्लेयर इन द गेम। द फॉलोइंग वर्ड आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स, लिस्ट अंडर द स्पोर्ट ऑफ द आर यूज्ड इन। फ्रेंड्स यहाँ पे कई ऐसे जो वर्ड दिए गए हैं अलग अलग जो गेम है उसमें आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल जो होता है यहाँ पे लिखना, पहला है गुगली, तो गुगला है, गुगली है वो क्रिकेट में आता है। गोल, गोल कहाँ पे होता है तो गोल है हॉकी और फुटबॉल दोनों में गोल होता है। LBW भी कहाँ होता है तो LBW क्रिकेट में। पेनल्टी है वो हॉकी में, और यहाँ भी। उसके बाद फ्री किक है वो यहाँ पे होगा हॉकी में। पेनल्टी कॉर्नर है वो यहाँ पे हॉकी में होगा। चलिए टीम टाइम, अ पपेट हेड, यू कैन यूज एन ओल्ड टेनिस बॉल विच हैज लॉस्ट इट्स बाउंस टू मेक हेड ऑफ द पपेट, सी लुक्स लाइक अ लिटिल गर्ल इन अ स्कर्ट एंड वेरी मच क्विक एंड ईजी। फ्रेंड्स यहाँ पे एक पपेट कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे पपेट बनाने के लिए हमें जो पूरी के पूरी प्रोसेस दी गई है कैसे वो बनेगा उसके बारे में दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे पपेट बनाना है, वो आप ट्राई कीजिएगा, एक एक पॉइंट है वो पढ़ते जाएगा, इसलिए वो पपेट बन जाएगी। सबसे पहले आपको टेनिस बॉल की ज़रूरत पड़ेगी, जो यू नीड क्या क्या आपको चाहिए, टेनिस बॉल है, नीडल है, वूल है, कलर्ड क्लॉथ्स, ये सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारा चैप्टर जो नसरुद्दीन एम है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हमें पोएम रन और नसरुद्दीन एम्स के बारे में पढ़ा। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।